दोस्तों जब शुरुआत में बस चलाना हम चालू करते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है हमारे अंदर क्लच पर कितना पैर रखें कितना प्रेस करना है ब्रेक कितनी प्रेस करनी है कौन सा पैर क्लच पे और कौन सा पैर ब्रेक पे एक्सीटर पे कितना पंजा रखें इसकी सही नॉलेज आपके पास नहीं होती इस वजह से आप शुरुआत में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हो अगर आज आप ये पूरा वीडियो समझ लेंगे तो एक बार समझने से अगर समझ में नहीं आता डाउनलोड करके रख लीजिए यही एक टेक्निक होती है जो मैं बताने चल रहा हूँ आपको इसी तरीके से आपको गाड़ी पर चलाना है हमेशा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है देखिए दोस्तों हमेशा बाएं पैर क्लच पे रखना है और पंजा रखना है ठीक है जैसे मैं रख रहा हूँ इतने ही आपको रखना है ठीक है इतना रखे एड़ी हमारी नीचे टच होनी चाहिए ठीक है हमेशा ये ध्यान रखिए कि एड़ी नीचे टच होनी चाहिए उठाना नहीं है उठा कर करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी छोड़ने में गाड़ी झटका भी लेगी इसलिए एड़ी नीचे लगी हुई होनी चाहिए पंजे से हमको क्लच दाबना है इस तरीके से देखिए ठीक है आसानी के साथ इस तरीके से क्लच दाबना है हमको पंजे से कोई दिक्कत नहीं होनी है देखो ठीक है यही एक सही तरीका हो इस तरीके से पैर आपको रख करके तब पंजे से क्लच का इस्तेमाल करना होता है तो आपका क्लच धीरे धीरे छूटेगा धीरे धीरे दबेगा गाड़ी आपकी झटके से झटके नहीं लेगी धीरे धीरे आप जल्दी समझ में आपको आ जाएगा ठीक है अब ब्रेक और एक्सीटर दोस्तों दाहिने पैर से हमको ब्रेक और एक्सीटर दोनों पर प्रयोग करना होता है ठीक है अब देखिए ब्रेक का इस्तेमाल क्लच तो हमेशा हम पूरा दाबेंगे ठीक है ये ध्यान रखिए गियर लगाते समय गाड़ी कंट्रोल करते समय गाड़ी को अगर रोकना है जगह पर गेर छोड़ने छोड़ाने के लिए हमेशा क्लच का पूरा पैडल दबना चाहिए बाएं पैर से पूरा क्लच पंजे से हमको दबना है यही एक तरीका होता है ठीक है इसको याद रख लीजिए दूसरा ब्रेक और एक्सीटर तो एक्सीटर हमेशा नाखून जो अंगूठा हमारा होता है एकदम लास्ट में आप रखिए उसको ठीक है पंजे के इस्तेमाल नहीं करना है पैर ज्यादा बढ़ा के रखोगे एक्सीटर ज्यादा दबेगा कम दबेगा ठीक है यहाँ पर एकदम नाखून पैर के समझिए कि हमको अंगूठे से एकदम अंगूठा जहाँ पे आपको टच एकदम हल्का सा आपको एक्सीटर टच करना है क्योंकि हल्का प्रेस किया जाता है बहुत ज़्यादा प्रेस करने की एक्सीटर जरूरत तो नहीं होती है गाड़ी आराम से आपकी चलती रहती है शुरुआत में ठीक है बहुत ज़्यादा जब दबाना तो तब भी ये बहुत हल्का होता है एक्सीटर हमारा एकदम मतलब पानी के तरीके होता है तो इसमें दबाने में कोई प्रॉब्लम हमको होती नहीं इसलिए हम दाहिने पैर के अंगूठे से हमेशा एक्सीटर पर प्रयोग करेंगे ठीक है ये अब ब्रेक ब्रेक भी दोस्तों हमको नॉर्मल तरीके से ही प्रेस करनी होती है इसलिए हम ब्रेक पर पंजे का इस्तेमाल ही करेंगे ठीक है देखिए दाहिने पैर से क्लच और ब्रेक दोनों इसमें लगेगा ओ सॉरी एक्सीटर और ब्रेक दोनों दाहिने पैर से और क्लच केवल बाएं पैर से ठीक है ये दाहिना पैर दोनों में चलेगा जब हम एक्सीटर छोड़ेंगे तब ब्रेक दबेगी और ब्रेक छोड़ेंगे तब एक्सीटर इसीलिए दोनों एक तरह एक साइड में ही होता है ठीक है एक ही पैर से दोनों में इस्तेमाल होता है ये हमेशा याद रखिए और दूसरा क्लच हमेशा पंजे से बस यही एक फंडा होता है दोस्तों इस तरीके से आप अगर इस्तेमाल करेंगे हमने प्रैक्टिकल करके दिखा भी दिया आपको तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आसानी के साथ आप बहुत जल्दी प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे ठीक है दोस्तों अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो डाउनलोड करके रख लीजिए और पुनः देखिए आपको समझ में आने लगेगा इसको हम प्रैक्टिकल करके कई बार दिखाए भी हैं हमारे चैनल पड़ा हुआ है आप जाकर वीडियो देख सकते हैं ठीक है दोस्तों और कोई जानकारी आपको चाहिए कमेंट करिए उसका जवाब हम जरूर देंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों स्वस्थ रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए राम राम जय श्री राम